आप सभी को जय मसीह की, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि हम रात को उपवास करके प्रार्थना में बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या कोई नुकसान भी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपवास में प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए रात के समय। देखो, इसका आंसर ये है, प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें समय और असमय तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है। कभी भी प्रार्थना करनी पड़ सकती है, कभी भी हमें किसी के लिए दुआ करनी पड़ सकती है, कभी भी किसी के लिए आंसू बहाने हो सकते हैं, किसी के छुटकारे के लिए हमें तैयार रहना हो सकता है, कभी भी। प्रभु कहते हैं समय और असमय तैयार रहे। यीशु मसीह हर समय तैयार रहता था अपने लोगों को चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, है ना। रात विरात वो लोगों को बचाता था, दिन दोपहर ही वो चंगा करता था। कभी भी किसी भी समय यीशु की जरूरत किसी को होती थी तो तुरंत यीशु चमत्कार करता था, प्रार्थना करता था, तुरंत यीशु चल पड़ता था उन लोगों के साथ। तो प्रभु का वचन हमें इस बात को लेकर बताता है कि हमें समय समय तैयार रहना चाहिए और हम रात को उपवास रख सकते हैं। दूसरा, रात को उपवास के साथ हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और जब यीशु मसीह अपने चेलों को एक जगह पर छोड़कर जब वो प्रार्थना करने के लिए गया था, वो भी भोर का रात का समय था, तो यीशु मसीह जब प्रार्थना करके आया तो यीशु ने अपने चेलों से एक बात बोली कि तुम मेरे साथ दो घड़ी भी नहीं जाग सके। मतलब यीशु मसीह रात को प्रार्थना करके आया था और यीशु मसीह ज़्यादातर उपवास में प्रार्थना किया करता था, क्योंकि यीशु मसीह ने ये वाली बात अपने चेलों को साफ बताई थी, क्योंकि चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। और सबसे बड़ा कारण उसका यह था क्योंकि चेले उपवास ही होकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे उन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। और इसी विषय में यीशु ने चेलों को कहा था कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। अब उन दुष्ट की जातियों को उपवास के द्वारा हम निकाल सकते हैं आसानी से, और लेकिन वो उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए। परमेश्वर के ग्रहण योग्य उपवास होने का मतलब है कि हमें हमारे व्यवहार में नम्रता, दीनता और पवित्रता, हमारे कामों में पवित्रता, निर्दोषिता पाई जाए, और ना तो हम किसी प्रकार का, ना तो हमारी जुबान से पाप निकले, ना छल की बात, ना निकम्मी बात, ना व्यर्थ की, ना ठट्टे की, ना निकम्मी, ना किसी पर दोष लगाए, ना बुराई करें, ना कमी निकाले, ना ठट्टा करें, ना तो अनादर करें, और ना ही हमारे आंखों से, विचार से, सोचों से कोई पाप हो, ना ही हम कुड़कुड़ाएं, ना बड़बड़ाएं, ना किसी के प्रति अपने मन में विरोध रखें, वरन अपने कामों से प्रकट करें कि हाँ प्रभु मैं उपवास में हूँ और मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, वचन, प्रार्थना, आराधना और संगति, और प्रभु के गुणों को प्रकट करना, वरन और भी बहुत सी बातें जो प्रभु की ग्रहणियों के उपवास है। तो बात यह आती है कि क्या हम रात को उपवास रख सकते हैं? हाँ, रात को भी हम उपवास रख सकते हैं, और रात को उपवास के दौरान क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। और इसके क्या कोई फ़ायदे हैं या नुकसान है? रात को अगर हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब इसमें फ़ायदा सबसे पहला क्या है, इसमें सबसे मेन चीज़ यह है कि जब भी एक विश्वासी रात को प्रार्थना करता है, अगर वो उपवास में कर रहा है या फिर वो बिना उपवास के कर रहा है, अगर वो बिना उपवास के कर रहा है तब भी उसका फ़ायदा है, अगर वो उपवास के साथ कर रहा है तब तो समझ लो एक एक्स्ट्रा बहुत पावरफुल तरीके से वो अपने और छुटकारों को अपनी ज़िंदगी में देख सकता है। कहा जाता है कि रात में अंधकार में शैतानी शक्तियाँ एक्टिव होती हैं, अंधकार में सबसे ज़्यादा पाप होते हैं, सबसे ज़्यादा दुष्ट की शक्तियाँ रात को छोड़ी जाती हैं, जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या, इस सब प्रकार के दुष्ट आत्माओं के काम, तंत्र मंत्र विद्या के, गड़बड़ी के, नुकसान पहुँचाने के, एक दूसरे से बदले लेने के, जादू टोने के काम, किए धरे के काम, उतारे चढ़ावे के काम सबसे ज़्यादा रात को होते हैं। और अंधकार के समय में, रात के समय में, गुप्त में या किसी भी प्रकार से ये दुष्ट की शक्तियाँ छोड़ी जाती थी जिससे कि इंसान की बर्बादी हो, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो, ये शैतान की चाल है। अब हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु सिर्फ अंधकार की शक्तियाँ हैं। तो इन अंधकार की शक्तियों को रात को बांधने के लिए, जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए, जो भी शैतान के अटैक हम पर होने वाले थे या हुए थे, या उनसे, उन दुष्ट आत्मा के कामों से हमें आज़ादी पानी है, या दुष्ट आत्मा के अटैकों को हमारी ज़िंदगी से दूर करना है, या कोई दुष्ट आत्मा की, हमारे दुष्ट आत्मा की कोई झुंड अगर हमारी बर्बादी के लिए आ रहे थे, तो उनको नाश करने के लिए, हमें छुटकारा पाने के लिए, हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होने के लिए, और वरन सब प्रकार की दुष्ट की शक्तियों को नाश करने के लिए, मगर हम उपवास में रात को प्रार्थना करें तो समझ लो ये सोने पर सुहागा वाली बात है। उपवास का उपवास होगा, प्रार्थना की प्रार्थना होगी, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं वरन उपवास के साथ प्रार्थना। और यहाँ पर यह वचन पूरा होगा कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। यहाँ लग कि जब एक विश्वासी उपवास और प्रार्थना में रहेगा तो उसका मतलब वो दुष्ट की जाति, दुष्ट आत्माओं की जाति, कमी घटी, बीमारी, परेशानी, महामारी, मार रोग, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट, गड़बड़ी, दुष्ट आत्मा के ये सारे काम, या डेथ स्पिरिट, या जो भी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं के खत्म होने का, उन दुष्ट आत्माओं को काटने का, नष्ट करने का, जलाने का, भस्म करने का, उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को जब हम उपवास में आए, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे एक घंटा, जितना जैसा कर सकते हैं, ना होने से होना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी शुरुआत करोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपवास का मतलब ये है,
अगर देखो प्रभु की ग्रहण योग्य उपवास का छोटा सा एक हिंट आपको बता दिया है, लेकिन जब हम उपवास रख रहे हैं, रात को प्रेयर्स में बैठ रहे हैं, उपवास के साथ जब हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, तो हमें गंभीर होकर बैठना है, मतलब एक्टिव होकर बैठना है और सामर्थ्य रूप से हमें स्ट्रांगली प्रेयर्स करनी है और हमारा मुँह रुकना नहीं चाहिए। आराधना, प्रार्थना और वचन, घोषणाएं करना, भविष्यवाणियाँ करना, जो चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, जो शैतानी आत्माएँ थी उनको डांटना, उनको बांधना, उनको नष्ट करना, जलाना, भस्म करना, निकालना हमारी ज़िंदगी से, एक एक करके नाम ले लेकर निकालना। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में, यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्मा का नाम लेकर निकाला था। लिखा है, एक गूंगी और बहरी करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा उस लड़के से निकला। साफ अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये वाली बातें हमें ध्यान रखनी है। हमें जो दुष्ट आत्मा परेशान करते हैं, नशे की, पत्ते की, गड़बड़ी की, लड़ाई दंगे की, मौत एक्सीडेंट्स की, बीमारी की, डराने की, गलत दर्शन, गलत स्वप्न वाली, है दुष्ट आत्माओं में तुम्हें यीशु के नाम से डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। उपवास के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके शब्दों में और पावर आएगी। उपवास का मतलब है अपने शरीर पर, अपने प्राण और आत्मा पर नियंत्रण करना और वचनों से अपने आप को भर के परमेश्वर के सम्मुख आना, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाकर आपको प्रार्थना करनी है। तब आपकी प्रार्थना आग लगाएगी, रात में बहुत पावरफुल तरीके से आपकी प्रार्थना काम करेगी। जब आप रात को उपवास रखोगे, मैंने बहुत बार रात को उपवास रखा है, मान लो मैंने 7-8 बजे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भी 3-4 घंटे बाद या 2-2.5 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद मैं थोड़ी देर के लिए चाहे उपवास में आऊँ या फिर मैं अपनी पर्सनल प्रेयर कर रहा हूँ, तब मैं उपवास में आकर कई बार प्रेयर करता हूँ पर्सनल, प्रभु जी मैं उपवास में आता हूँ इसी समय से। ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा दिन भूखा रहूँ फिर रात को मैं भूखे रहकर प्रार्थना करूँ, ऐसा नहीं है। ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनना है, बुद्धि से काम नहीं लेना है, वरन बुद्धि और आत्मा दोनों का सहारा लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। बुद्धि से इसलिए क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रहेगा कि हमारा शरीर कहीं तकलीफ तो नहीं दे रहा, कोई बीमारी तो नहीं हो रही, या कोई चक्कर तो नहीं आ रही, या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होने वाली है भूखे रहने की वजह से। तो मेरे भाई और बहनों, इसी तरीके से हमें आत्मा का भी सहारा लेना है। अगर हमारा शरीर सहन नहीं कर पा रहा है तो हमें खा लेना है, कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद या खाना खाने के बाद, कुछ खा पीने के बाद, उसके 4-5 घंटे बाद फिर से हम उपवास में आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गैप देकर भी हम लोग उपवास रख सकते हैं, लेकिन अगर पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक भूखे रहे, फिर सोच रहे कि मैं रात को उपवास की प्रार्थना करूँ, दुष्ट आत्मा को डांटूँ, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि वो उपवास रखने की वजह से आपकी तबीयत डाउन हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, शैतान को अवसर मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन भूखा रहकर रात को प्रार्थना करके, फास्टिंग प्रेयर करके, रात को अंधकार की शक्ति को जलाकर फिर आप खाना खाओ। अगर आप कर सकते हो तो ही करना, अगर आपसे नहीं करा जा रहा है तो आप खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी, खाना खाने के बाद भी सिर्फ आपको शब्द बोलना है, प्रभु मैं उपवास में आता हूँ, बुराई को छोड़ने का उपवास, गलती को छोड़ने का उपवास। मतलब जब आप उपवास का शब्द बोल रहे हो तो आपको सही रीति से अपने व्यवहार पर काम करना है। फिर उसके बाद प्रभु की संगति में आओ, बैठो, उपस्थिति में बैठो। देखो मैं साफ बताऊँ, मैं खाना खाकर भी परमेश्वर के सामने उपवास में आया हूँ, खाना खाने के कुछ घंटे बाद, कुछ टाइम बाद, प्रभु मैं उपवास में आता हूँ, मैंने खाना तो खा लिया, मुझसे रह नहीं जा रहा था, लेकिन प्रभु मैंने खाना खा लिया, अब मैं फिर से उपवास में आता हूँ, ये टॉपिक मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके लिए मुझे उपवास में आना जरूरी। फिर मैंने सर पे तेल लगाया, मैंने बोला प्रभु मैं इस बात के लिए उपवास में आता हूँ, मेरा प्रार्थना तू ग्रहण करना, चाहे मैं 1 घंटे बैठा, 1.5 घंटे बैठा, 2 घंटे बैठा, बस मैं अंगीकार करके, प्रार्थना करके, वो उपवास का समय खुदावंत की उपस्थिति में बुराई से बैर करके, पवित्र जीवन जी के, कानों को पवित्र करके और अपनी जुबान को बुराई से रोक कर, और गलत संगति, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार, गलत संगति, गलत शब्द, गलत सोचों से अपने आप को दूर करके सिर्फ प्रभु, प्रभु और प्रभु, तब वो परमेश्वर के ग्रहणियों के उपवास हो सकता है। हालेलुया। तो हम रात को जब उपवास रखें तो ये बहुत सामर्थ्य रिजल्ट को हमें दिखाएगा, क्योंकि अंधकार की शक्ति रात को एक्टिव होती है। और प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि शैतान संसार का सरदार है, जो शैतान रात को कड़वे बीज बोने के लिए आता है, किसी को बीमारी दे गया दुष्ट आत्मा, किसी को गरीबी दे गया, किसी को घटी दे गया, किसी को नुकसान दे गया, किसी को तकलीफ दे गया, किसी को बॉडी में पेन दे गया, किसी को तकलीफ, किसी को कुछ ना कुछ, गलत दर्शन, गलत स्वप्न या कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर एक विश्वासी रात को प्रार्थना करके सोए, अगर वो प्रार्थना ही के साथ साथ वो उपवास भी करे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट को अपनी ज़िंदगी में देख सकता है। रात को प्रार्थना करिए, ऐसा हो सकता है सवेरे आप गवाही को पालें, या हो सकता है पूरे दिन आप बड़े बड़े छुटकारों को देखें, आपका पूरा दिन आसानी से खुशी, चैन, विश्राम, शांति, शालम, आराम के साथ गुजरे। लेकिन अगर रात को प्रार्थना नहीं करी तो हो सकता है सुबह उठकर किसी न किसी प्रकार के कोई नुकसान देख ले, गड़बड़ी देख ले, विरोध देख ले, लड़ाई दंगा देख ले, कुछ नुकसान देख ले, टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट होता हुआ देख ले। लेकिन अगर रात को प्रार्थना करें फास्टिंग में, ये दृढ़ता से प्रार्थना करें, अगर फास्टिंग नहीं भी रखी जा रही है, आप आधे घंटे भी नॉर्मल प्रेयर कर सकते हो, आधे घंटे भी फास्टिंग के साथ प्रेयर कर सकते हो, मतलब नॉर्मल नहीं,
मतलब आधे घंटे में फास्टिंग के साथ भी प्रार्थना कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना, उपवास का मतलब ये नहीं है कि मैं 8 घंटे करूँगा तो 8 ही घंटे करूँगा। जितना आपसे रखा जा रहा है उतना आप कोशिश करें, लेकिन कमिटमेंट ना करें प्रभु मैं 12 दिन तक उपवास रखूँगा तो रखूँगा नहीं। अपने मुँह से बोलकर अगर आपने बोल दें लेकिन आप नहीं कर रहे तो उसका मतलब लिखा है जब तक तू कौड़ी ना बढ़ती तब तक तू छूटने ना पाएगा और तू अपनी मुँह की बातों के कारण फंसेगा। इसलिए कमिटमेंट मांगकर पूछपाछ करने वाला व्यक्ति फंदे में पड़ता है। इसलिए अगर तू कर सके तो ही बोल, अगर तू नहीं कर सकता तो इच्छा रख, प्रभु मेरी इच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना रखा जाएगा उतना रखूँगा। मान लो मैंने बोला प्रभु मैं 4 घंटे तक उपवास में आने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि आऊँगा तो आऊँगा। अगर मैं कोशिश करने वाली बात बोली और मुझे लग रहा है कि मैं 4 घंटे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ज़्यादा भूख नहीं लग रही, कोई चक्कर नहीं आ रहे, कोई थकावट नहीं हो रही, कोई वीकनेस नहीं लग रही, तो मैं जितना रख सकता हूँ तो मैं और रख सकता हूँ। 1/2 घंटा और बढ़ा दिया, 4.5 घंटे रख लिया, 5 घंटे रख लिया। जब मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे प्रार्थना करके खा लेना चाहिए, थोड़ा लग रहा है शरीर में थकावट लग रही है, खाना खा के फिर 2-3 घंटे का गैप देकर फिर उसके बाद मैं दोबारा उपवास में आ सकता हूँ। इस तरीके से बुद्धि और आत्मा से काम लेकर आप उपवास में प्रभु के साथ संगति करके वचन प्रार्थना आराधना में भविष्यद्वाणियाँ करके घोषणाएं करके और स्ट्रांगली प्रेयर्स करके आप अपनी ज़िंदगी में छुटकारों को देख सकते हो। हालेलुया। और रात को जब आप प्रार्थना करोगे उपवास के साथ, जब बोलोगे प्रभु मैं इस प्रार्थना में उपवास में आता हूँ और इस विषय के लिए उपवास में आता हूँ, तो आप छुटकारों को देखोगे। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।